है स्टूडेंट्स फेस, मैम चीजें याद नहीं रहती है, इतने सारे बच्चे यू नो स्पेशली इन दीज लास्ट फ्यू डेज बिफोर एग्जामिनेशंस, मैम मेरी तो दो रीडिंग्स हो गई है, तीसरी रीडिंग कर रही हूँ तो भी कुछ याद नहीं आ रहा है, सब सर के ऊपर से जा रहा है। मैम मैंने जो दो दिन पहले कॉन्सेप्ट किया है आज आप मुझे कुछ पूछोगे ना उसमें से तो भी कुछ याद नहीं आता है। इतने सारे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में उनको देखो, बहुत पढ़ाई करके जाते लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ब्लैंक फील करते, और ये मैंने पढ़ा तो था, सिर्फ इतना याद आता है कि मैंने ये पढ़ा था, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग अप दैट आंसर कुछ याद नहीं आता है। प्रैक्टिकल पेपर्स के केस में दो तीन स्टेप लिखते हो फिर उसके बाद फील करते हो, ऐसा होता है कि नहीं? आई एम श्योर ऐसा होता है। अगर हुआ है पास्ट में तो कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में लो कि मैम ऐसा हुआ है मेरे साथ पास्ट में, बिकॉज दिस हैपेंस, बिकॉज वास्ट सिलेबस है, सीए का सिलेबस है एक्सट्रीमली वास्ट, एंड यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू नहीं है। सी बेटा जब एमसीक्यू होता है ना तब सिर्फ लॉजिक्स याद रखने होते हैं, तब सिर्फ आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना होता है, लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव होता है तब चीजें रिटेन करने की कोशिश करनी होती है, और रिटेन ही तो नहीं रह पाता है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन पावरफुल टेक्निक्स शेयर करूंगी जिससे ये लास्ट मंथ में ना कि आप पढ़ाई करो बट चीजें याद रख पाओ, बिकॉज इट्स एन एक्सट्रीमली वास्ट सिलेबस, इट्स एन ओशन ऑफ सिलेबस। बस एक एक टेक्निक अप्लाई करना, मैं आपको बोल रही हूँ एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आपको याद आएगा वाओ यार इस बार मुझे सब चीजें याद आ रही है, तो प्लीज ध्यान से देखना और अप्लाई करना। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस गाइस टिल द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशंस, आईसीआई वेबिनार समरीज, मोटिवेशन गाइडेंस, क्रूशियल गाइडेंस, 10 डेज 20 डेज बिफोर एग्जामिनेशंस, हाउ टू प्रेजेंट द पेपर्स इन द एग्जामिनेशन, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना। नंबर वन मेथड, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड, चार पांच स्टार लगा के रखो इस मेथड को, दैट इज व्हाट आई कॉल रिट्राइवल मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय रिट्राइवल मेथड? सी गाइस, आप रिलेट करोगे इस बात से, सबसे बड़ी गलती अपनी क्या होती है, लॉ का लेट्स से आपने अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर उठाया है, रीड कर रहे हो। मैंने बोला मैम आपने तो बोला था क्वेश्चन बैंक भी करना, मैंने तो क्वेश्चन बैंक भी कर ली, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा। मैम आपने बोला था डे एंड पे रिवाइज करना, मैं डे एंड पे भी बुक लेके बैठती हूँ फिर भी रिवाइज कर रही हूँ, तो भी अगर आप मुझे दो दिन बाद पूछोगे तो मुझे याद नहीं रहता है। गाइस प्रॉब्लम यहीं पे है आपकी, आप सिर्फ रीड किए जा रहे हो, यू आर नॉट मेकिंग एन एफर्ट टू रिटेन व्हाट यू आर रीडिंग। आई विल टेल यू, फॉर एग्जांपल अपने अकाउंट्स ऑफ कंपनीज पिक किया है तो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का क्वेश्चन बैंक रीड करने के बाद क्लोज द बुक एंड ट्राई टू रिकॉल। अपन सिर्फ रीड करेंगे तो चीजें दिमाग में ऑटोमेटिकली नहीं फिट हो जाएगी यार बेटा। आप न्यूज पढ़ते हो, मैं आपको बोलू न्यूज के बेसिस पे आपको एग्जामिनेशन पेपर देना, आप थोड़ी ना पूरा न्यूज एज इट इज लिख पाओगे, राइट? बिकॉज जब आप रीड करते हो आप सिर्फ अंडरस्टैंड करते हो, लेकिन रिटेन करने के लिए यू हैव टू क्लोज दैट बुक एंड ट्राई टू रिकॉल कि मैंने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था अभी, मैंने ये क्वेश्चन का आंसर पढ़ा तो है, लेकिन ट्राई टू बिल्ड दैट फ्लो ऑफ आंसर इन योर माइंड। बुक बंद करके ट्राई टू बिल्ड दैट फ्लो ऑफ आंसर इन योर माइंड इमीडिएटली, तब कहा जाके एक लेवल ऑफ रिकॉलिंग होगा आपको, हाँ चलो यार एक फ्लो बिल्ड होगा दिमाग में। फिर आपको डे एंड पे बुक वापस रीड नहीं करनी है, डे एंड पे यू हैव टू रिकलेक्ट, अरे आज दिन भर में मैंने क्या पढ़ाई की थी, बुक सामने नहीं चाहिए, रिकॉल करना है, आपकी मेमोरी यूज करनी है, फिर उसमें से 50% चीजें याद आएगी, जो 50% चीजें नहीं याद आती है उसके लिए बुक रेफर करो, लेकिन सिर्फ बुक लेके रीड मत करो। मैं क्या करती थी, आई लव दिस मेथड, मैं आपको बता रही हूँ, मैं ना रैंडमली रिवाइज करती थी, जैसे कि सपोज मैं नहा रही हूँ या फिर सपोज मैं खाना खा रही हूँ या फिर ऐसे ही रैंडम कुछ अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रही हूँ, तो आई यूज टू रैंडमली आस्क माई सेल्फ आज तूने क्या पढ़ा था, इस क्वेश्चन का आंसर दे। जैसे कि नॉर्मल है यार, मैंने आपको बोला स्मॉल कंपनी, अच्छा स्मॉल कंपनी का क्या था यार, स्मॉल कंपनी की लिमिटेशंस क्या थे, स्मॉल कंपनी का टर्नओवर लिमिट क्या था, शेयर कैपिटल लिमिट क्या था, ऐसे रैंडमली मैं खुद को सवाल पूछती रहती थी बेस्ड ऑन व्हाट आई स्टडीड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, दैट एक्टिवेटेड माय ऑल द सेंसेस, एंड इससे मेरी रिकॉलिंग होती थी, रिविजन होता था। मैं सिर्फ रीड नहीं करती थी, रिवाइज करती थी, तो आपको भी यही करना है, रीड करो लेकिन उसके बाद इमीडिएटली रिकॉल करो, डे एंड पे रिकॉल करो, रैंडमली भी रिकॉल करते रहो, ये आपको हेल्प करेगा टू रिटेन द थिंग्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नंबर टू थिंग इज, सी बेटा एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा है अभी, हार्डली 20-25 डेज बचे अभी, तो आपको ना हर चीज करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। आई वुड से 70-80% सिलेबस करके भी बच्चे एग्जामिनेशंस पास कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरी एक फ्रेंड है, फाइनल का पेपर था, एसएफएम का पेपर था, उन्होंने बस 60 मार्क्स का पेपर लिखा, उसमें से शी गॉट 56 मार्क्स। लास्ट अटेम्प्ट के टाइम पे भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर वाज अ स्टूडेंट हू केम टू मी, आई थिंक इट वाज अ टैक्स पेपर, शी रोट 75 मार्क्स का पेपर एंड आउट ऑफ दैट शी वाज एबल टू गेट 60-65 मार्क्स आई गेस। तो इट इज नॉट अबाउट द क्वांटम नाउ, इट इज अबाउट द क्वालिटी नाउ। अभी जो मेरा वर्कशॉप चल रहा है ना, वहां पे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स अब तक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम जब 20-25 डेज बचे हमारे एग्जामिनेशंस को, हम कैसे स्मार्टली प्लान करें चीजें कि हमारे रिवीजन भी हो जाए, रिटेंशन भी हो जाए, कौन से चैप्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कौन से चैप्टर स्किप कर सकते हैं। तो टू हेल्प यू आउट, आई एम कंडक्टिंग अ स्पेशल एड ऑन सेशन फॉर ग्रुप वन स्टूडेंट्स ऑन द 19th ऑफ दिस मंथ एंड ग्रुप टू स्टूडेंट्स ऑन द 22nd ऑफ दिस मंथ, जहां पे मैं आपके साथ एक स्मार्ट ब्लूप्रिंट शेयर करने वाली हूं, बिकॉज आई हैव स्टडीड आईसीएस सेक्शन वाइज वेटेजेस, मॉक टेस्ट पेपर्स, आरटीपीस, उस हिसाब से आई फिल्टर्ड आउट सिलेक्टेड चैप्टर्स जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स आएगा एग्जामिनेशन में। तो कौन से ये सिलेक्टेड चैप्टर्स, इनको कितना टाइम देना है, बचे हुए चैप्टर्स को कितना टाइम देना है, आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन एम करेंगे, कौन से सब्जेक्ट में 40s में एम करेंगे, सो दैट अब तक ये लास्ट 20-25 डेज में भी अपन
अपनी एग्जामिनेशन क्लियर कर ले। बहुत सारे बच्चे गाइस लास्ट अटेम्प्ट के टाइम पे भी बस ये स्पेशल एड ऑन सेशन देख के दे क्लियर द एग्जामिनेशन, दे कॉल्ड मी ऑन द रिजल्ट्स डे सेइंग कि मैम बस ये एक सेशन लास्ट 20-25 डे के प्लानर का सेशन अटेंड करके हमारा एक माइंडसेट डेवलप हुआ एंड वी वर एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको फ्री फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, हर सब्जेक्ट के दो फुल सिलेबस पेपर्स अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन अलॉन्ग विद सजेस्टेड आंसर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यू नो इतने सारे बच्चे हैं जो 5-5 दिन में 6-6 दिन में एक एक सब्जेक्ट खत्म कर रहे हैं, उसके साथ साथ दे आर गिविंग द टेस्ट ऑल्सो एंड दे आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्यों मुझे मार्क्स नहीं मिल रहे, प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम है क्या, स्टेप मार्किंग इशू है क्या, या फिर मेरा इंटरप्रिटेशन गलत है क्या। लिया है पूरा जीएसटी कंप्लीट कर दिया 3 डेज में। सो व्हाट आई डिड वाज मैंने अपने आप को रूम में लॉक कर दिया और घर पे सबको बोल दिया जो करना है मेरे रूम से बाहर करो, इधर कोई मत आना। आई वाज सो एक्साइटेड टू टेल यू कि आपके जो सेशन के बाद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया एंड लिटरली मैं इतने ज्यादा कंसिस्टेंटली टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं कर पाती कभी भी। तो अभी वो क्या होता है कि हाँ टीचर ने टारगेट दिया है या टीचर ने टाइम टेबल दिया है एंड बाकी स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँ, तो वैसे करके खत्म होता है। 3-4 सेशंस हुए अभी तक जिनको आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो, मेनी स्टूडेंट्स आर वाचिंग द सेशंस इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट एंड दे आर गेटिंग इक्वल बेनिफिट आउट ऑफ इट। और बहुत सारे 5-6 इंपॉर्टेंट पावर पैक्ड सेशंस बचे हैं। 1.5 डे बिफोर एग्जाम का क्रूशियल गाइडेंस, डूज एंड डोंट्स बिफोर एग्जामिनेशन, हाउ टू मैनेज दैट 3 आवर्स ऑफ एग्जामिनेशन। लेकिन एक बात बता दूं गाइस, इसके एनरोलमेंट्स मैं जल्दी क्लोज करने वाली हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूं, गो चेक इट आउट। सो इफ यू वांट टू गिव योरसेल्फ दिस वन लास्ट चांस, हरी अप, आई विल सी यू ऑन द 19th और द 22nd ऑफ दिस मंथ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। द एंटायर पॉइंट इज यू नीड टू वर्क स्मार्ट नाउ। सी बेटा, अगर आप नेक्स्ट 25 डेज अगर पूरा 100% सिलेबस कवर करने के लिए यूटिलाइज करने वाले थे, आई वुड से नेक्स्ट 15 डेज में 70% सिलेबस करो और लास्ट के 10 डेज रिवीजन के लिए यूटिलाइज करो। आपने सुना होगा राइट कि आई डोंट फियर द मैन हु हैज मास्टर्ड, ब्रूस ली का कोट है, आई डोंट फियर द मैन हु हैज मास्टर्ड 1000 किक्स, आई फियर द मैन हु हैज मास्टर्ड 1 किक 10,000 टाइम्स। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। 70% सिलेबस ट्वाइस इज मच बेटर देन 100% सिलेबस वंस। तो कहा जाके भले वो 80 मार्क्स का पेपर लिखो, उसमें से भी आपको 60 मार्क्स मिल सकते हैं एग्जामिनेशंस में। एंड नंबर 3 थिंग इज टेस्टिंग साइकोलॉजी। सी गाइस, अपना जो दिमाग है ना वो इमरजेंसी सिग्नल्स पे काम करता है। अगर उसको पता है कि डे एंड पे मुझे पेपर देना है तो पढ़ाई आप उस हिसाब से करते हो कि सिर्फ रीड नहीं करना है, मुझे रिकलेक्ट भी करना है चीजें, तब कहा जाके वो एग्जाम आप बराबर से दे सकते हो। अभी चलो सपोज आज आपने पेपर देना स्टार्ट किया, अगर आपको डे एंड पे अपने पेपर जब सॉल्व करो तब आपको चीजें नहीं याद आ रही, तो नेक्स्ट डे बिफोर पिकिंग अप द चैप्टर आप कॉन्शियस रहोगे, आप अवेयर रहोगे, नहीं यार मैंने जब कल पेपर दिया तब मैं स्टक फील कर रही थी, मुझे ना 1-2-3 स्टेप सॉल्व करके आगे का नहीं आ रहा था, तो उस हिसाब से पढ़ाई करते हो विद दैट कॉन्शियसनेस। सो रादर देन रियलाइजिंग इट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन और 4 महीने वेस्ट हो जाएंगे, उससे तो बेटर है अभी रियलाइज करो और वो रिटेंशन करने की कोशिश करो ना, दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर। तो टेस्ट करना शुरू करो, ऑटोमेटिकली ब्रेन रिकलेक्ट करना शुरू कर देगा। अभी ना लास्ट में बस एक चैलेंज देती हूँ मैं आपको, नेक्स्ट 30 डेज के लिए शॉर्ट्स देखना बंद कर दो, रील्स देखना बंद कर दो। बिकॉज एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बोला कि बच्चों की मेमोरी पावर क्यों कम हो रही है, बिकॉज वी आर टू यूज टू स्क्रोलिंग, वी आर टू यूज टू दैट शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट, इसीलिए चीजें आपको रिकलेक्ट नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ दिस ऑटोमाइजेशन एंड ऑल। तो प्लीज बेटा नेक्स्ट 30 डेज के लिए एटलीस्ट आपका ब्रेन सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज के लिए यूटिलाइज करो, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, कीप योर सेल्फ एंगेज, कीप योर सेंसेस एंगेज, थोड़ा बोल बोल के पढ़ाई करो, स्पीक इट अलाउड, रीड इट अलाउड, पढ़ाई करने के बाद खुद को एक्सप्लेन करना शुरू कर दो चीजें। आपने देखा होगा एक्सप्लेनिंग साइकोलॉजी, जब आप खुद को एक्सप्लेन करते हो ना चीजें तब और जो लूप होल्स है आपकी पढ़ाई में, जहां जहां पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जहां जहां पे हर्डल्स है, वो भी सब चीजें रिजॉल्व हो जाती है। तो वो एक्सप्लेनिंग साइकोलॉजी आल्सो हेल्प्स व्हेन इट कम्स टू रिटेनिंग द थिंग्स प्रॉपर्ली। ठीक है, ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स गाइस, ऐसे बहुत सारे स्टडी टेक्निक्स इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे, बस आप एफर्ट मारते रहो, मैं भी मेरे साइड से 100% आपको हेल्प करने की कोशिश करती रहूंगी। ठीक है, बिलीव इन योरसेल्फ, दिस इज मी साइनिंग आउट, विश यू ऑल द बेस्ट, टाटा।